ई रिक्शा पलट रहा है, अभी आप दिखा रहे हो स्कूटी गिर गई, अगर मान लीजिए पानी भर जाए, भरा हुआ पानी है बहुत सी जगह पे, चहली लगा के आदमी अपने घर पे जा रहा है, अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठान पे जा रहा है, अगर चहली टूट जाए कोई समस्या आ जाए, पानी भरा रहेगा तो दिक्कत आएगी। ये सारी चीजों का ध्यान भी, और जहाँ हर किनारे, लेकिन कुछ जगहों पे जहाँ पे बीच में आप गड्ढा खोद रहे हो या बीच पे जो कोई छेद कर रहे हो, ड्रिल कर रहे हो, उन जगहों पे जहाँ सक्रिय जगहें हो जा रही है वहाँ पे कम से कम यातायात सही ढंग से चले, कोई हताहत ना होने पावे, कोई दुर्घटना ना होने पावे, उसको ध्यान में रखते हुए वहाँ पे सुरक्षा या व्यक्ति की व्यवस्था जिससे कि वो आवागमन सुरक्षित हो सके उसका ध्यान भी रखना चाहिए। फिर पैसा कमाना ही नहीं महत्व, और ये सारी चीजें उसमें होती भी यहाँ पे इन मानकों का, उनकी मानक होता है, मानक के अनुसार काम करें, बिना मानक के पैसा फायदा लेने। भूमि क्षेत्र में जो निर्माण हो रहा है, भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, जनता पूरी तरीके से खुश है, आम जनता इसमें जो है पूरी तरीके से प्रसन्नचित है, लेकिन जो जन समस्या का सामना जनता को करना पड़ रहा है, व्यापारियों को करना पड़ रहा है, छात्रों को करना पड़ रहा है, छोटे छोटे बच्चों को करना पड़ रहा है, राहगीर को करना पड़ रहा है, उपभोक्ता को करना पड़ रहा है, उन समस्याओं का ठीकरा वो इस विकास के कार्यों पर न फोड़े यहाँ की जो कार्यदायी संस्थाएं हैं, जिला प्रशासन पूरी तरीके से यातायात प्रभावित है, लोग समस्याग्रस्त हैं, जनजीवन पूरी तरीके से असुरक्षित है, लगातार कहीं ना कहीं एक्सीडेंट सुनाई पड़ रहा है, जगह जगह खोदने के बाद में या रास्ता जाम, जगह जगह जो है जो आप सड़क खोद रहे हैं या निर्माण कार्य हो रहे हैं उनको लेकर जब रोड पतली हो जा रही है, सड़कें एक तरफ चलने लग रही है, वहाँ पे भी आपको व्यवस्था न देना निश्चित रूप से ये कष्टदायक है। लगातार जाम लग रहा है, घंटों घंटों लोग फंस रह रहे हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं, इन सबका जिम्मेदार कौन है? पैसा कमाने वाला ठेकेदार, उसकी भी जिम्मेदारी है, कार्यदायी संस्थाएं, चाहे वो विकास प्राधिकरण हो, फैजाबाद अयोध्या और जो विकास प्राधिकरण है उसकी जिम्मेदारी है, सेतु निगम की जिम्मेदारी है, जो नगर निगम की जिम्मेदारी, ये सारे लोग अपनी जो जिम्मेदारियों से अलग होकर और जनता को पूरी तरीके से छोड़ दिया है बिलबिलाने के लिए और मरने के लिए। पानी का मौसम है, जगह जगह स्लिप करके गाड़ियां गिर रही हैं, लोग जो चुटहिल हो रहे हैं, इनका इनको इसका ध्यान देना चाहिए। जो है इन्हीं सब विषयों को लेकर हम लोग प्रेस वार्ता कर रहे हैं, जिला प्रशासन से मांग है कि इन चीज़ों पर अंकुश लगाए, जहाँ पर निर्माण हो रहा है उसको तय सीमा के अंतर्गत करने के साथ ही साथ उन जगहों को सही किया जाए जिससे कि वहाँ पर रहने वाले लोग आसानी से रह सकें। अच्छा जी, ये हम लोग जिला प्रशासन से मांग करेंगे, जिलाधिकारी महोदय से भी जो है शीघ्र मांग किया जाएगा और आपके माध्यम से मांग कर ही रहे हैं कि सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कम से कम वहाँ पे उचित चौकसी की व्यवस्था, यातायात की पुलिस की व्यवस्था या जो संस्थाएं काम करें वो अपनी व्यवस्था देने का कार्य करें कि जिससे कि वहाँ पे कोई घटना दुर्घटना न घटे, बहुत ज़्यादा भीड़ होने पे कोई समस्या ना आवे, कोई इधर उधर गड्ढों में गिरने ना पावे, बच्चे कहीं डूब के कोई हताहत ना हो, उसका ध्यान रखने का कार्य जिला प्रशासन करेगा, ये हमें पूर्ण उम्मीद है। इस बात का तो बहुत दुख है कि किसी से बताओ तो वो मानने के लिए भी नहीं तैयार होता है, जनता किसी से कहती है, पीड़ित किसी से कहता है तो उसको लगता है कि ये केवल शिकायत कर रहे हैं अपने फायदे के लिए, जबकि सच्चाई ये है कि जिन जगहों पे तोड़फोड़ लोगों ने कर लिया, अब मलबा बाहर है।